सूरा सो पहचानिए लड़े जे दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव पर प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनी नगर में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान गुरुवाणी के ये शब्द बार बार सुनाई पड़ रहे थे और साथ ही दिखलाई पड़ रहा था नानक देव के अनुयायी खालसा पंथ के सिक्कों द्वारा कर्तव्य के हैरत अंगेज कारनामे। शाह फकीर हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के पीर संपूर्ण मानवता के सद्भावना सामाजिक न्याय के संदेश के वाहक सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हर साल नानक देव जी की जयंती के एक दिन पहले शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। गुजरे कोरोना संकट के 2 सालों में सादगी से मने गुरु नानक जयंती की भव्यता इस साल देखते ही बन रही थी। श्री गुरु सिंह सभा के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सिख समुदाय के अलावा सभी धर्मावलंबी शामिल हुए और सेवादार बनकर लोगों की सेवा करते नजर आए। बेलवा टिकर स्थित गुरुद्वारा से पुष्प जड़ित आकर्षक वाहन पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को सुशोभित करते हुए श्रद्धालुओं के जयकारे बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के बीच गुरुद्वारा से शोभा यात्रा का प्रारंभ किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी के आगे खालसा गणवेश में दसम गुरु श्री गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ के प्रतीक पंच प्यारे हाथों में कृपाल लेकर आगे आगे चल रहे थे। उनके आगे बाल रूप में पंच प्यारे भी शामिल थे जो सबको आकर्षित कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु तथा विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह पर पंच प्यारों का माल्यार्पण करते हुए उनका नमन किया गया। गुरु ग्रंथ साहब की सवारी के आगे मत्था टेक कर सबों ने भक्ति भाव से आशीर्वाद लिया। गुरु ग्रंथ साहब की सवारी की सेवा में लगे सिख सेवकों ने लोगों के बीच प्रसाद भी बांटे। शोभा यात्रा के आगे स्त्री सत्संग की महिलाएं बच्चे बच्चियां हाथ में झाड़ू लेकर पूरे मार्ग की साफ सफाई करते हुए उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण पेश कर रहे थे। शोभा यात्रा में महिला पुरुषों के कीर्तन जत्थे के अलावा कई स्कूली जत्थे भी शामिल थे। इस दौरान धर्माद के प्रसिद्ध सिंगर जॉली छाबड़ा अपने सहयोगियों के साथ शब्द कीर्तन की अमृत वर्षा पूरे रास्ते करते चल रहे थे। कई चौक चौराहों पर गुरु ग्रंथ साहब की सवारी पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धा अर्पित की गई। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से नगर कीर्तन में शामिल लोगों के बीच चाय बिस्कुट अल्पाहार एवं फल का वितरण किया गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः गुरुद्वारा में आकर संपन्न हो गया जहां पूरी रात शब्द वाणी गूंजती रही। शोभा यात्रा का नेतृत्व गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सतवीर सिंह राजा गुरवीर सिंह गोलू इंद्रजीत सिंह राजेंद्र सिंह चावला इंद्रजीत सिंह डिम्पल चमनप्रीत सिंह जॉनी करणदीप सिंह लांधारी सहित अन्य सिख परिवार के लोग करते नजर आए।